सवाल उठाने के लिए कांग्रेस की कड़ी निंदा की है। बीजेपी ने पूछा है कि क्या कांग्रेस को अपने कोस्ट गार्ड पर भरोसा नहीं है। सरकार के तरफ से तुरंत मैसेज देना कि ये कराची से लोग जो है घटना को अंजाम देने के लिए नाव से निकले और बाद में ये हर एक जगह से रिपोर्ट आ रही है कि एक छोटा सा नाव था, उस पर कोई मालूम नहीं कि किस आधार पर, हो सकता कि स्मगलर हो सकता फिशरमैन हो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि सरकार बिना तथ्य को समझे सुने हुए समझे हुए पूरा जो है देश में तनाव बढ़ा दिया। पाकिस्तानी बोर्ड पर कांग्रेस के सवाल ने बवाल खड़ा कर दिया है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस के सुर मिलाते हुए कांग्रेस ने इसे स्मगलों की नाव कहा तो बीजेपी ने उस पर हद कर देने का आरोप लगाया। और आज कांग्रेस ने हद कर दी है, आज कांग्रेस ने राजनीति में वो जमीन छुआ है जिस जमीन पे कोई आज तक गिरा नहीं था। इतनी गिर गई कांग्रेस की जो टेरर वोट का मामला था, उस मामले में कांग्रेस ने भारत की सरकार से प्रश्न किया है। बीजेपी ने कहा कि अगर देश में नए साल का जश्न अमन चैन से मनाया गया तो इसकी वजह समुद्र सीमा पर कोस्ट गार्ड के जवानों की मुस्तैदी है। लेकिन कांग्रेस कोस्ट गार्ड की तारीफ करने के बजाय पाकिस्तान की मदद कर रही है। कांग्रेस ने जिस प्रकार से सवाल उठाया है वह सवाल आज किसी की मदद कर रहा है तो पाकिस्तान की मदद कर रहा है। कांग्रेस पाकिस्तान को ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम कर रहा है, कांग्रेस पाकिस्तान को असला प्रोवाइड कर रहा है अपने इस डाउट से। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस ने ऐसी गैर जिम्मेदारी पहली बार नहीं दिखाई है। मुंबई के 26/11 हमले के बाद भी कांग्रेस ने भगवा ताकतों को जिम्मेदार ठहराया था। यही नहीं, पटना हाउस एनकाउंटर में आतंकियों के मारे जाने पर भी आंसू बहाए थे। जब पटना हाउस एनकाउंटर हुआ, जब एक जाबाज सिपाही मारा गया तो सोनिया जी आंसू बहा रही थी। किसके लिए बहा रही थी? जाबाज सिपाही के लिए आंसू नहीं बहा रही थी, वो आंसू बहा रही थी उन आतंकवादियों पर जो मारे गए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उस समय के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सलमान खुर्शीद जी ने खुद कहा है कि सोनिया जी बहुत रोई थी जब आतंकवादी मारे गए थे। हमने सोनिया गांधी जी से बात करी, सोनिया गांधी जी को उस हादसे की हमने तस्वीरें दिखाई तो उनके आंसू फूट पड़े और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि ये तस्वीर मुझे मत दिखाओ, फौरन जाओ वजीर आजम से बात करो। जहां तक 31 दिसंबर की रात को घुसपैठ करने की बात है तो बोर्ड पर सवार लोगों का संपर्क पाकिस्तानी सेना और थाईलैंड में बैठे संदिग्धों से भी बताया जा रहा है। लेकिन बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी से एक बार फिर हाफिज सईद जैसे आतंकियों को हम पर हंसने का मौका मिल गया है। हमारे देश के गृहमंत्री, उस समय के गृहमंत्री सुशील कुमार सिंधे जी ने खुद सोनिया जी के प्रेजेंस में, राहुल गांधी जी के प्रेजेंस में कहा था कि सैफरन टेरर से हिंदुस्तान को थ्रेट है। जो टेररिज्म की एक्टिविटी हो रही है वो सैफरन टेरर कर रहा है। और इसके ऊपर किसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था पाकिस्तान में? हाफिज सईद ने किया था। आपने हाफिज सईद को मौका दिया था हिंदुस्तान पे हंसने का, आज आप फिर से वही गलती दोहरा रही। बीजेपी ने याद दिला कि कांग्रेस ने तब भी आईबी और सीबीआई को भिड़ाने का काम किया था और एक बार फिर से इंटेलिजेंस एजेंसियों और सुरक्षा एजेंसियों को लड़ाने पर उतारू। माना जा रहा है कि देश की सुरक्षा के मामले पर देश की दो सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियों के टकराव का फायदा सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को मिलेगा। कैमरामैन प्रकाश तिवारी के साथ यतेंद्र शर्मा, इंडिया न्यूज़।